हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल तन्नुदी टैग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Google AdSense पिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज ही मेरी Google AdSense की पिन आ चुकी है। मैं आपको पूरी कंप्लीट बताने वाला हूँ कि Google AdSense की पिन मुझे कितने दिन में मिली है, कितना टाइम लगा है और ये कैसे अप्लाई की थी, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसकी क्या पॉलिसी है, अगर आपकी ये आपके एड्रेस पर नहीं आती है तो आपको क्या करना है, सभी चीज का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आपको पूरी वीडियो को वॉच करना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मुझे मैंने कब अप्लाई किया था और ये मुझे कितने दिन में मिली है। दोस्तों ये मैंने 10 दिसंबर 2020 को अप्लाई किया था, यानी कि अभी जो 10 तारीख गई है उसी को मैंने ये अप्लाई किया था। और आज दोस्तों 22 दिसंबर 2020 है, 22 यानी कि ये मुझे 12 दिन में मिल गई है। 22 दिसंबर को ये मुझे रिसीव हुई है, 12 दिन में ये मेरे एड्रेस पर आ चुकी है। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बार में ही मुझे मेरी एडसेंस की पिन मिल गई है, पहली बार में ही मेरे एड्रेस पर ये पहुंच गई है। दोस्तों ये इंडिया पोस्ट से आती है, इंडिया पोस्ट से ये आपके एड्रेस पर सेंड की जाती है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको अप्लाई कब करनी होती है, जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं। तो $10 कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है, जिसमें दोस्तों आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी यूज करके अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं गूगल एडसेंस का। और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये पिन अप्लाई हो जाती है जो कि आपके एड्रेस पर सेंड की जाती है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने 9 तारीख में वेरीफाई किया था और 10 तारीख को ये सेंड कर दी गई थी मेरे एड्रेस के लिए, ये 10 तारीख को सेंड कर दी गई थी। फिर ये मुझे 10-12 दिन में मेरे एड्रेस पर मिल गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 4 महीने मिलते हैं, 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये वेरीफाई करनी होती है। अगर 4 महीने के अंदर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका जो दोस्तों वीडियोज होती है उस पर एड्स आने बंद हो जाते हैं, या आपको 4 महीने से पहले पहले वेरीफाई करना है किसी भी हालत में। तो और मैं आपको ये बता दूं, इसी ये पिन आपके एड्रेस पर सिर्फ 3 बार आपको इसमें चांस मिलता है, 3 बार ये आपके एड्रेस पर सेंड की जाती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि ये फर्स्ट टाइम आपके एड्रेस पर सेंड की गई है और किसी वजह से ये आपको नहीं मिलती है तो आप इसे रिसेंड कर सकते हैं, दोबारा से मंगा सकते हैं। इसी तरह से आप इसे टोटल 3 बार मंगा सकते हैं, 3 बार में आपको ये पिन मिल जाती है। अगर 3 बार में भी आपको पिन नहीं मिलती है तो उसके बाद दोस्तों आपके वीडियोस पर एड्स आना बंद हो जाएंगे, इसलिए आपको ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको मैं दोस्तों एक ट्रिक आपको मैं बता दूं कि आपको क्या ट्रिक है कि जिससे आप इसे अपने एड्रेस पर आसानी से मंगा सकते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया था, जब मैं अपना एड्रेस गूगल एडसेंस में डाल रहा था तो जो आप मैनुअली एड्रेस डालेंगे उस एड्रेस में आप अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल देना, जैसे कि आपका जो भी दोस्तों एड्रेस होगा उस एड्रेस के साथ में आप अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल देना। जब आप मोबाइल नंबर डाल देंगे तो क्या होता है कि दोस्तों आपके एड्रेस में मोबाइल नंबर भी आता है। मैंने अपने एडसेंस के अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था, तो जब दोस्तों वो पोस्टमैन के पास आया तो पोस्टमैन ने एड्रेस में मेरा मोबाइल नंबर देख लिया था, उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर देख के मुझे कॉल कर लिया। जब मुझे उन्होंने कॉल कर लिया तो इसलिए दोस्तों ये मुझे आसानी से मिल गया। अगर दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं देता तो काफी मुश्किल हो जाता है फिर एड्रेस को ढूंढना, इसलिए ये फिर वापस चले जाता है। और जब ये वापस चले जाता है तो दोस्तों फिर आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने अपना एड्रेस में अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था, जिस वजह से ये मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मिल गई है। और ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन मुझे लगे और ये मुझे जल्दी ही मिल गई है। आपको भी यही ट्रिक अपनानी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे वेरीफाई कैसे करना है अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये वो पिन है, इसे हम अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें हमें क्या पिन मिलती है, वो पिन हम अपने एडसेंस अकाउंट में डालकर वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जब आप इसे कट कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके, आप इसे यहाँ से आप ओपन करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये हमारी पिन यहाँ पे इसमें दिख रही है। ये पिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरी पिन है, ये 536615, ये मेरी गूगल एडसेंस के एड्रेस वेरीफाई करने के लिए पिन भेजी गई है, ये पिन मुझे डालनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसमें स्टेप मिल जाती है, स्टेप 1 है आपके साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट, आपको अपना एडसेंस अकाउंट साइन इन करना है। उसके बाद आपको स्टेप 2 मिलती है, क्लिक द गियर आइकन एंड सेलेक्ट पेमेंट, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टेप 3 में जाना है, इन द लेफ्ट नेविगेशन बार क्लिक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देन क्लिक वेरीफाई एड्रेस।
स्टेप 4 एंटर योर पिन एज इट अपीयर्स ऑन द राइट एंड क्लिक सबमिट पिन। जब आप ये चारों स्टेप कर देंगे तो आपकी पिन वेरीफाई हो जाएगी। अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ, अभी आपको बताऊंगा पिन कैसे वेरीफाई करनी है। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में। ये आप देख सकते हैं ये मेरी होम स्क्रीन है गूगल एडसेंस अकाउंट की। तो आपको उसी अकाउंट से आपको अपने एडसेंस को लॉगिन कर लेना है जिस अकाउंट को आपने अपने यूट्यूब से वेरीफाई किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अभी यहाँ पे ये $6 इसलिए कम दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों अभी ये लास्ट मंथ के अपडेट हुए हैं। अभी जब नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें 11 तारीख को अपडेट हो जाएंगे तो फिर ये ज़्यादा दिखा देगा यहाँ पे। अभी ये कम आ रहे हैं, ये पिछले मंथ के हैं। तो आप यहाँ आपको वेरीफाई करने के लिए, पिन वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे आप यहीं स्क्रीन पर ही आ जाएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मुझे 10 दिसंबर को भेजी गई थी, वी मेल्ड यू ए पिन ऑन 10 दिसंबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 2 से 4 हफ्ते से आने में घर पे आपके लग जाते हैं, जैसे कि ये मुझे 12 दिन में ही मिल चुकी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 2 हफ्ते तो मुझे लगी गए इसे आने में। अब आपको पिन वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ से सिंपल वेरीफाई पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव 3 अटैम्प्ट रिमेनिंग। अभी मेरे 3 अटैम्प्ट जो है दोस्तों वो रिमेनिंग है क्योंकि मैंने अभी एक बार भी अटैम्प्ट नहीं किया है, तो मेरा फर्स्ट टाइम है ये। अभी मैं अपनी ये पिन डाल देता हूँ जो पिन मुझे मिली है। ये पिन डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक करना है, आप सबमिट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, ये मेरी पिन यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। और जो वो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था दोस्तों वो अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो ऑप्शन यहाँ से चला गया है। अभी यहाँ पे ये आ रहा है योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो अभी हम एक बार इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हो सकता है ये वेरीफाई हो गया हो। ये अभी आप देख सकते हैं कि अभी ऊपर जो एक नोटिस आ रहा था कि आपकी पेमेंट हो है आपका एड्रेस वेरीफाई ना होने की वजह से, लेकिन वो दोस्तों अब यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा एड्रेस यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, हमारा एड्रेस यहाँ पे वेरीफाई कम्प्लीटली हो गया है। अब मैं आपको बता दूँ कि आप पेमेंट में जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों अब रूल चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि दोस्तों आप अपने पिन को वेरीफाई करने के बाद अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अब रूल चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना होता है कि दोस्तों आपको अपने जो $100 कंप्लीट करने होते हैं उसी के बाद आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यू डोंट नीड ए पेमेंट मेथड अनटिल योर अर्निंग थ्रेस होल्ड हैज़ बीन रीच्ड, यानी कि जब आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे उसी के बाद आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, उससे पहले आप अपना बैंक ऐड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको भी अपनी पिन को वेरीफाई कर लेना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है पिन को जल्दी मंगाने के लिए, वो भी मैंने इस वीडियो में बता दी है। और इसी तरह से आप अपनी पिन को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।